खबर जांजगीर के अगलतरा से है, जहां पर 13 करोड़ की लागत से बना रेलवे ओवरब्रिज लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। और इस ओवरब्रिज में बरती गई लापरवाही का आलम यह है कि महज 4 साल के भीतर ही इसमें बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जगह जगह सरिये निकल गए हैं, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि हाइबा मुंबई रेल रूट पर बने इस ब्रिज की वास्तविक लागत 4 करोड़ थी, लेकिन 7 साल की देरी की वजह से 13 करोड़ तक पहुंच गई है। इस बीच ब्रिज की गुणवत्ता पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस सरकार आने पर लोगों को उम्मीद जगी थी कि ओवरब्रिज ठीक हो जाएगा, आखिरकार निराशा ही हाथ लगी है। विभाग द्वारा पेच वर्क किया जाता है जो कि महीना पंद्रह से ज़्यादा नहीं चलता है। और मैं स्वयं इस ओवरब्रिज में 7/2/2017 को हादसे का शिकार हो चुका हूँ। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जर्जर हो गया है ये ओवरब्रिज, प्रशासन आखिर क्यों ध्यान नहीं दे रहा? आए दिन तमाम हादसों को न्योता यहाँ पर दिया जा रहा है। जी शिवम, देखिए अकलतरा में नगर के ठीक बीचों बीच 13 करोड़ की लागत से रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया गया था, जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। और जितनी ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, उससे कहीं ज्यादा ये राजनीति की भेंट चढ़ा है। 4 साल में ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर है। इस पर झांकते हुए सरिया और जो गड्ढे निर्मित हुए, ये लोगों के जान की प्यासे हो गए हैं। और बता दो कि रात के समय इस पर खंभे पर लाइट नहीं जल पाते हैं। जितने भी खंभे हैं सारे के सारे सुने पड़े हुए हैं। ऐसे में दुर्घटना की संभावनाएं जो है वो अधिक हो जाती है। पता नहीं प्रशासन इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है, क्या है, कैसा है। हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर बने इस ब्रिज की कीमत जो थी, वास्तविक कीमत ये मात्र 4 करोड़ रुपए थी, लेकिन 7 वर्ष की देरी, आपको बताना चाहूंगा, 7 वर्ष की देरी के बाद कुल मिलाकर 9 वर्ष में ये ब्रिज निर्माण हुआ। और उसके बाद भी जब ये निर्माण हुआ तब ये 4 करोड़ की लागत जो है 13 करोड़ तक पहुंच गई है। जी, और गुणवत्ता कैसी होगी ये तो एक प्रश्न चिन्ह है ही है। और ये राजनीतिक भेंट चढ़ा है, मैं बार बार इस बात को बोलूंगा, सेतु विभाग निगम इस पर कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। भाजपा की सरकार भी लगातार इस पर राजनीति की है और कांग्रेस की सरकार भी इस पर राजनीति लगातार करती आ रही है। जब विकास यात्रा आती है तब रमन सिंह जी से तत्काल आनंद फानंद में बनवाते हैं राजेश मुहूर्त को बोलकर, जो पेच वर्क माह भर भी नहीं चलता है। यहाँ तक आलम है कि लोगों को, समाज सेवियों को स्वयं के व्यय पर इस ब्रिज का मरम्मत कार्य कराना पड़ा है। ये दुर्भाग्य अकलतरा का रहा है। जब जी और बताना चाहूंगा, 4 करोड़ इसका बजट था और 4 करोड़ से बढ़कर 13 करोड़ की लागत से ये ओवरब्रिज का निर्माण हुआ। 7 साल का विलंब लग गया, ये बात तो साफ है शैलेंद्र कि भ्रष्टाचार तो इसमें खूब हुआ है, लेकिन अब शासन के अधिकारियों का और राजनेताओं का क्या कुछ कहना है? जी देखिए, जब आगे और आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा इस पर और एक कड़ी जोड़ना चाहूंगा कि जब इसका लोकार्पण हो रहा था तब तत्कालीन पूर्व मंत्री जो थे राजेश मुणत जी, इन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली थी कि जो भी होगा 30 साल तक इसे कुछ नहीं होगा, इसकी पूरी जवाबदारी मेरी है, मैं इसकी जवाबदारी लेता हूँ। लेकिन वो अपने वादे से मुकर गए। कांग्रेस की शासन आए, साल भर लगभग हो रहे हैं, बार बार उनको ज्ञापन दिया गया, लोगों ने सोशल मीडिया पर भड़ास भी निकाले, लेकिन पता नहीं प्रशासन एक कुंभकर्णी नींद पर है और शायद किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही उनकी जो कुंभकर्णी नींद है ये टूटे। और लोगों में सबसे ज्यादा रोष इसलिए है क्योंकि इससे नगर के बीचों बीच बनाया गया था और व्यापार भी पूरे तरीके से इस पे चौपट हुए हैं। लोगों की जो रोजी रोटी चलती थी वो दुकानें आज। शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। दर्शकों को हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, सरिये निकले हुए हैं, किसी भी बड़े हादसे को इस सरिये न्योता दे रहे हैं, साफ तौर से देखा जा सकता है। अब सवाल यही है कि प्रशासन नींद से कब जागेगा और कब इसकी मरम्मत का कार्य जो है शुरू होगा। सड़क पर मचे सियासी घमासान।